आगे बढ़ते हैं। हमको सिलेक्ट करने से पहले आप खुद 10 लड़के सिलेक्ट कर चुके होते हो, यहाँ बकचोदी के लिए तुम यहाँ पर ऑडिशन करवाते हो। अंदर अंदर माँ रोती और माँ रोते रोते कहती, कैसे बन गया तू दुनिया रावण में, मैंने तो पैदा किया था राम। लो जी मुंडा गाड़ा गेट पे लिए माशूक, हाथ में शराब क्योंकि मुंडा हो गया जवान। Hey guys, welcome back to our channel. You are watching Rahul Bruthi Vlogs and I am your friend Rahul Bruthi. Keep watching, keep subscribing, keep commenting. Don't forget to subscribe this YouTube channel. Also press the bell icon for regular notification, friends. फ्रेंड, इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ, आपको ऑडिशन की डिटेल्स बताता रहता हूँ और प्रोसेस सारा समझाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं इंडियाज़ बेस्ट डांसर जो कि सोनी पे आने वाला है, उसके ऑडिशंस यहाँ पे दिल्ली द्वारका में हो रहे हैं और उसके हम पब्लिक रिएक्शंस लेने लोगों से आ गए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, लोगों से आपको पता चलेगा कि क्या क्या डांसिंग, कब से वो खड़े हैं, कैसा लगा उनको ये, क्योंकि फर्स्ट शो पहली बार ये इंडियाज़ बेस्ट डांसर आ रहा है। इससे पहले डांस प्लस 5 था, तो इंडियाज़ बेस्ट डांसर पहली बार सोनी ने लॉन्च किया है। इसके जज टेरेंस लुइस और गीता माँ हैं और अभी अंदर जो आए हुए हैं भारती सिंह और हर्ष लिम्बिचिया जो उनके हस्बैंड हैं, वो अंदर यहाँ पर आए हुए हैं, वो एज ए एंकर हैं इस शो के। ये देखिए, जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं, अंदर से आपको आवाज़ आ रही होगी। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच में और जानते हैं लोगों की राय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। अपना नाम बताइए। मेरा नाम पायल सिंह है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश सिंगरौली। अच्छा, मध्य प्रदेश से आए हैं, तो आपको यहाँ पता कैसे चला ऑडिशंस का? एक्चुअली मुझे एक कॉल आया था। अच्छा। इस रियलिटी शो के लिए जिसने मतलब इन्होंने मुझे बोला था वीडियो के लिए, बट किसी वजह से मैं वीडियो नहीं दे पाई, तो फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि 18 तारीख को यहाँ पे ऑडिशन है, तो इसलिए मैं आ। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से? तो कैसा रहा ऑडिशन आपका? परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। कौन से गाने पे परफॉर्म किया था? छम्मा छम्मा। छम्मा छम्मा? हाँ जी। तो कौन सा स्टाइल था? बोन ब्रेकिंग और फ्री स्टाइल किया था। तो आपका पहला ऑडिशन है ये? नहीं, इससे पहले मैं डांस दीवाने में एक बार ऑडिशन दे चुकी हूँ, लेकिन मतलब ऐसा था कि वहाँ पे, हाँ वहाँ पे भी मैं सिलेक्ट नहीं हुई, जो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था वो, मतलब तो मैंने। कहीं से डांस सीख रहे हैं? हाँ, मतलब मैं कैंप्स करती हूँ। अभी नहीं हुआ सिलेक्शन? नहीं, मेरा सिलेक्शन। क्या रीज़न रहा है? रीज़न थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था मेरा, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया, थोड़ा सा मेरा अनप्रोफेशनल हो गया बिकॉज कोई मिस्टेक्स हो गई, अदरवाइज इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको क्या लगता है आपका क्या रीज़न रहा? मेरा भी थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स हुई थी, थोड़ा स्लीपी फ्लोर था, तो परफॉर्मेंस इतना अच्छे से हो नहीं पाया। अच्छा, कैंप्स करते हो, वहीं से मतलब सीखा है आपने वगैरह? तो अभी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिया कहीं से? मतलब नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग अब लेने वाली हूँ, मतलब अब लेनी पड़ेगी, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना है तो लेनी पड़ेगी। तो यहाँ भी सिलेक्शन नहीं हो पाया? नहीं, यहाँ से। कौन से गाने पे परफॉर्म किया था? शरारा। बाकी जो उन्होंने किया ठीक ही होगा, नेक्स्ट टाइम जरूर ट्राई करना। बिल्कुल, और क्या करेंगे और क्या, शो तो ऐसे ही होते रहते हैं सर, हारने कभी नहीं माननी चाहिए। कहाँ से आए हो? मेरठ। मेरठ से? तो डांस कब से कर रहे हो? डांस मैं 2 ईयर्स। 2 ईयर्स से? तो अंदर कितने बजे आ गए थे यहाँ पे? यहाँ मैं आया था 5:30 बजे सुबह। अच्छा, तो क्या लगा अंदर, क्या प्रोसेस है, क्या चल रहा है अंदर? कुछ नहीं, ज़्यादातर तो वेट कराया थोड़ा। आपने कौन से गाने पे परफॉर्म किया था? मैंने मिक्स रोबोटिक सॉन्ग करा था, श्री राम जान की। थोड़ा करके दिखाओगे? यस। थोड़े बैग उतार दो, कोई बात नहीं। ऑडिशन वॉज रियली गुड, अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके, जिसने भी डांस स्टार्ट किया है, जिसको करना है, करियर बनाना है और ऑडिशन पक्का, तो शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जाएगा, हिट जाएगा, तो प्लीज़ मस्ट वॉच इट। अंदर ऑडिशन जो हुआ है, मतलब इतना, आप कब से आए थे यहाँ पर? मॉर्निंग 7-8 समथिंग, 9 o'clock। और मतलब पूरा प्रोसेस सही था अंदर का, मतलब जजमेंट वगैरह, जजेस वगैरह सब सही थे? हाँ, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। कौन से गाने पे परफॉर्म किया था आपने? मैंने किया था बेबी डॉल। बेबी डॉल में सोने की? हाँ। सनी लियोन वाला? हाँ।
तो आपके बाल बहुत अच्छे हैं, कैसे बनाए हैं आपने? ये मैंने आर्टिस्ट से बनवाए थे, हेयर डू करते। कहाँ? दिल्ली में बनते हैं ये? कहाँ पर? सीपी में ही बनते हैं। और तो हमारी ऑडियंस को बताइए, किसी ने बनवाने हो तो कुछ पर्सनली भी बनाते हैं, जो आर्टिस्टिक लोग होंगे उनको पता होगा। तो अगर किसी को बाई चांस बनवाने हो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आपका नंबर तो डालना पड़ेगा ना डिस्क्रिप्शन में। तो बना के आप ही देंगे? नहीं, मैं नहीं बनाती हूँ, मेरे पास आर्टिस्ट है वो बना देते हैं। अच्छा, आप बना देंगे? तो क्या कॉस्ट क्या आती है इसकी बनाने की? कॉस्ट उसका अराउंड आता है 5,000 और 10,000, डिपेंड करता है कि हेयर लेंथ कितनी और कितनी मेहनत उनकी लगेगी। कितनी मेहनत लगेगी आप बताइए सर। आप आइए 2 मिनट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है। और कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से, रोहिणी से। रोहिणी से? तो डांस कब से कर रहे हैं? 10 साल हो गए मुझे डांस कर। 10 साल? और ऑडिशन आपका पहला ऑडिशन तो नहीं होगा फिर ये? नहीं, ऑडिशंस हम बहुत सारे ऑडिशंस दिए हम लोगों ने। सिलेक्शन भी हमने रियलिटी शोज भी एक्चुअली कर रखे हैं पहले भी। अच्छा, ठीक है। कौन से रियलिटी शोज कर रखे हैं? इंडियाज डांसिंग आइडल, ठीक है, हम उसके टॉप 10 में थे। अच्छा। और इंडियाज डांसिंग फेम हम लोग उसके विनर से रनर अप है हम लोग। ओके, ग्रेट, ठीक है। और बाकी हम लोग नेशनल चैंपियंस है। बाकी हमारा भी यूट्यूब चैनल चेक करना, अंकित छवि चैनल है दोस्तों इनका, जो यूट्यूब चैनल चेक करना। बताओ ना, अंकित छवि आप लोग सर्च करना, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पे जरूर टिक करना। हां जरूर, वो तो करते हैं यार, समझदार है सारे। 20,000 होने वाले हैं, सारे समझदार हैं, करते हैं, जरूर करते हैं। पेड़ डालो। क्या नाम है आपका? शिवानी यादव। कहां से आए आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद। तो डांस कब से कर रहे हैं? 3 इयर्स से। तो अंदर कौन सा डांस परफॉर्मेंस किया था? भरतनाट्यम। तांडव। तांडव। कितना टाइम दिया था इन्होंने आपको? 1.5 मिनट। 1.5 मिनट। तो क्या इनका रिस्पांस था, मतलब कैसा लगा इनका? अच्छा लगा। बोला था इन्होंने अच्छा लगा, मतलब ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं वो लोग। तो बस जाओ, हो गया बस। नहीं नहीं, थैंक यू, नाम लेते हैं और फिर रिजल्ट बताते हैं, यहाँ पता चलता है, बैठाते हैं सबका, देखते हैं, बैचेस होते हैं, उसके बाद बाहर आके यहाँ पे लेके आते हैं, फिर बताते हैं सिलेक्शन है कि नहीं। कहाँ से हैं बेसिकली आप? मेरठ से। मेरठ से। तो कैसा रहा ऑडिशन अंदर आपका? अंदर ऑडिशन बहुत अच्छा था, बट थोड़ा टाइम कम मिला, कोई बात नहीं। तो अभी सिलेक्शन हो गया आपका? नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या मतलब, क्या रीज़न रहा आपको? क्या रीज़न नहीं बताया आपको, क्या लगा कि कहाँ आप लाइक कर? बेसिकली मुझे नहीं पता था कि 10 या 20 सेकंड से ज़्यादा आपको टाइमिंग्स नहीं मिलेंगी। तो आपने सीखा है डांस कहीं से? जी, आयना डांस अकेडमी। कहाँ पर है? गाजियाबाद। गाजियाबाद में? गोविंदपुरम गाजियाबाद। अच्छा, तो अभी आगे जाएंगे ऑडिशन देने कभी, अगर यहाँ मायूस तो नहीं हो गए कि यहाँ बस हो गया? तो मैं सेकंड टाइम आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले कहाँ ऑडिशन दिया था? डांस दीवाने में। तो वहाँ पे क्या, वहाँ भी नहीं हो पाया था सिलेक्शन? वहाँ सेकंड राउंड तक चली गई थी। अच्छा, सेकंड कितने राउंड होते हैं इसके वहाँ तक जाने के लिए, स्टूडियो राउंड तक जाने के लिए? आई थिंक 3 होता है। 3 राउंड्स होते हैं। तो वो जो स्टार्टिंग हुई वो बिगिनिंग में ही रह गया और मेन जो था वो हुआ ही नहीं। ये फर्स्ट ऑडिशन है आपका? बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम के लिए। थैंक यू। जो मेन जजेस तक जाने के लिए होते हैं, उसके बाद ही हो पाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू, आप हमारे साथ बात की। थैंक यू। आपका जरूर आगे कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। कहाँ से आए हैं आप? हम आए वैशाली, कौशाम्बी की साइड से। कौशाम्बी जी। तो पहला ऑडिशन आपका ये? नहीं नहीं, थर्ड। इस शो में तो पहले ही है, वैसे तीसरी बार दे रही हूँ। पहले कहाँ कहाँ ऑडिशन दिया है? डांस प्लस और डांस दीवाने। हाँ जी। तो कौन से, आपने कौन से गाने में परफॉर्म किया था? मैंने एक ट्रैप मिक्स सॉन्ग उठाया था जिसका नाम है सात समुंदर। अच्छा। या तो कितना टाइम दिया इन्होंने आपको? इन्होंने मुझे 1 मिनट दिया था मैक्सिमम। अच्छा, तो कैसा रहा अंदर का जजमेंट, कैसा लगा? बहुत अच्छा, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था यहाँ का, अच्छा लगा। मैनेजमेंट तो लगी? नो, किसी भी तरीके की? एवरीथिंग इज फाइन। तो आपका सिलेक्शन हुआ है? नहीं हुआ। रीजन क्या रहा आपको पता है इसका? नहीं पता। बहुत सारी कमियां थी अभी हमारे डांस में। क्या कमियां रहेगी बेटा? एक्सप्रेशंस, एनर्जी, डांस भी अच्छा नहीं था। झूठ बोल रही है, ये सब कुछ अच्छा था इसका। अच्छा था। कहीं से डांस सीख रहे हैं आप? हाँ जी, मेरे सर मेरे साथ आए हुए हैं, वो भी ऑडिशन के लिए आए हैं। तो खुद भी ऑडिशन के लिए आए हैं, तो उनका तो हो ही जाना चाहिए, वो तो ऑब्वियसली इंस्ट्रक्टर हैं। तो आपने कौन से गाने परफॉर्म किया था? मेरा कौन सा था? अखलड़ जा। स्टेप करके दिखा सकते हो? अभी नहीं, थोड़ा सा नहीं, ना। गिल्ट फील हो रहा है? नहीं, गिल्ट फील नहीं करना बेटा, आगे जैसे जैसे ऑप्शन मिलते जाएं ट्राई। अभी तो आपकी एज भी कुछ नहीं, आई थिंक कितनी एज है आपकी? 15 है ना, तो अभी तो आपके बहुत ऑप्शन है, आगे आप खुलते रहेंगे, आपके साथ ऑप्शन, आप जाना, उसमें क्या दिक्कत है? तो कुछ बोला इन्होंने कि क्या अच्छा नहीं लगा क्या है? कुछ नहीं बोला ना, ये बताया कि गलती क्या है। और हालांकि मुझे पता है कि मैंने कोई गलती नहीं की थी, क्योंकि मैं 11 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे पता है मैंने कोई गलती नहीं। लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्या गलती है क्या नहीं है। मैं जिनको नॉलेज उनको तो बिठाओ जजमेंट पे, जिनको खुद को ही नहीं पता डांस क्या उनको बिठाते हैं जजमेंट पे लोग। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। काफी लोग जानते हैं यहाँ पर, सब लोग अपने अपना देखने कौन सिलेक्ट हो कौन नहीं होगा, मगर मैं भी गया था अंदर, उनको जो जज बैठे हैं उनको जजमेंट नहीं करने आ रहा। मैं ऑडिशन देने गया, देख के आया हूँ, मेरी एज है 30 साल है।
और आधार कार्ड में सब में है, मगर देखा अंदर जाके मैंने दो डांस किए सही हो गया, तीसरे वगैरह नहीं होगा। अब दो डांस मैं सही करे ऐसे क्यों नहीं होगा, और जजमेंट नहीं पता क्या चीज़ जजमेंट करना उनके लिए। तो कौन से गाने पर डांस किया था आपने? मैंने किया था उनके लिए, वो मुझसे यही बोला था उस पर उस वाले गाने में कराने के लिए, थे एक करण अर्जुन का छत पर सोया था बहन हुई, जब मुझ पर आता नहीं तो मैं क्या करूँगा। तो अभी कौन सा था, कौन से गाने पर किया था? मैंने उस पर किया था मुन्नी बदनाम हुई।